नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। महासभा द्वारा शौर्य यात्रा आयोजित की गई है और मैं श्रीमती उर्मिला प्रहलाद सिंह तोमर करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष हूँ। करणी सेना मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए इस रैली में हम राजपूत एकता का संदेश देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 5 जून को भी आयोजन होना है तो आज जी हाँ, जितने भी आयोजन होंगे हम लोग मिलजुल के करेंगे। सभी अलग अलग संगठन हमारे राजपूत समाज के जितने भी आयोजन करते हैं सब हैं तो एक ही, अपनी सुविधा अनुसार सब लोग जितना, ताकि ज़्यादा रश ना हो, भगदड़ ना हो, शासन को असुविधा ना हो, इस हिसाब से हम लोग अलग अलग टुकड़े में रैलियाँ निकालते हैं। आज हमारे राजपूत समाज के कुल शिरोमणि पृथ्वीराज जी चौहान की 854वीं जयंती है और इस अवसर पर उज्जैन के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो समाज है, उन्होंने पूरा संभाग भर से जो राजपूत सरदार आए थे, छत्राणी आई थी, उनके नेतृत्व में एक रैली निकाली। रैली महाराणा प्रताप प्रतिमा चामुंडा माता से शुरू हुई, शहर के प्रमुख मार्गों से सुदामा नगर में समापन होगा। वहाँ राजपूत समाज का सम्मेलन है। राजपूत समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा और भविष्य में जो भी राजपूत समाज के कार्यक्रम हैं, जो भी राजपूत समाज के कुल शिरोमणि हैं, उनकी जयंती मनाई जाएगी और समाज में अच्छे और रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। और आज जो है हमारे लिए गौरव की बात यह है कि उज्जैन नगर पालिक निगम के जो अध्यक्ष हैं सोनू गहलोत जी, उन्होंने राजपूत समाज के जो कुल शिरोमणि है पृथ्वीराज जी चौहान, उनकी प्रतिमा स्थापित करने का उन्होंने आज निर्णय लिया है और उनकी प्रतिमा फ्रीगंज स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के सामने लगेगी। ये राजपूत समाज के लिए आज सबसे ज़्यादा गौरव और हर्ष का विषय है।